If you're anxious about retirement, if you can't stop worrying about your aging parents' health, if you're depressed because you feel like you're losing everyone you love, turn to Your Life Iowa. Anxiety and depression are real illnesses. Let us connect you to someone who can help, because mental health is health. Get the help you need to start feeling better at yourlifeiowa.org. We're a free helpline where you can talk, text, or chat 24/7. Brought to you by Iowa HHS. रहीम के दोहे भाग दो। बड़ माया को दोष यह जो कबहुं घट जाए, तो रहीम गरीबो भलो दुख सही जिए बलाए। रहीम कहते हैं कि बड़ माया यानी अत्यधिक धन संपदा हो जाने में दोष ये है कि जब धन संपदा व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है तो पीछे अनेक कष्ट और उलझने दे जाती हैं, जिनको सह पाना व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। धन संपदा के विछोह में वो टूट जाता है, धनाभाव की मार को वो सह नहीं पाता है। फिर वो सोचता है कि ऐसे निष्ठुर दुख को कौन सहे, अंततः मृत्यु को स्वीकार करना ही अच्छा समझता है। कहने का भाव है, अति समृद्धि आ जाने पर व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमेशा समृद्धवान ही बना रहेगा। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि समृद्धि हमेशा साथ नहीं रहती है, फिर उसे समृद्धि के जाने का दुख नहीं होगा। पुरुष पूजय देवरा, तिय पूजय रघुनाथ, कहे रहीम दो उन बने पड़ो बैल के साथ। रहीम दास जी कहते हैं कि बिना कुछ किए धरे सब कुछ पाने की इच्छा रखने वाला पति झाड़ फूंक यानी तांत्रिक शक्तियों के आगे पीछे घूमता फिर रहा है, और इधर पत्नी सच्चे मन से अपने घर में ही प्रभु राम की पूजा कर रही है। पति पत्नी दोनों की ही सोच में जमीन आसमान का अंतर है, उनके गृहस्थ जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं है। रहीम आगे कहते हैं कि जब गाड़ी में अलग अलग स्वभाव वाले बैल जोत दिए जाते हैं तो गाड़ी भला सही गति से कैसे चल सकती है। कहने का भाव है, वैवाहिक जीवन में जब तक वैचारिक एकता नहीं होगी तब तक गृहस्थ जीवन का चहुमुखी विकास असंभव है। बढ़त रहीम धनाढ्य धन, धनो धनी को जाए, घटे बढ़े वा को कहा, भीख मांग जो खाई। रहीम कहते हैं कि इस संसार की भी गति बड़ी न्यारी है, इसे समझना बड़ा ही कठिन है। धनवान और धनवान होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। फिर न जाने क्यों लोग कहते हैं कि दौलत तो आती जाती रहती है। जो लोग भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं उनको इस बात की फुर्सत कहाँ है कि धन कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ घट रहा है। कहने का भाव है, समाज के आर्थिक जीवन को समझना कठिन है। धन की कोई गति नहीं होती, जहां पर कठोर श्रम होता है कई बार वहां पर भी धन नहीं होता है। पावस देख रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछत कौन। रहीम कहते हैं कि पावस ऋतु के आगमन का संकेत मिलते ही कोयल ने मौन धारण कर लिया। अब मन ही मन ये सोचकर शांत हो गई कि अब दादुर वक्ता हो गए, हमको कौन पूछेगा। कहने का भाव है, व्यक्ति को कोयल की तरह धैर्यवान और बुद्धिमान होना चाहिए। वक्त अगर अनुकूल न हो तो कोयल की तरह शांत रहने में ही हित है। जो वक्त की गति को नहीं पहचानता वो जिंदा नहीं रह पाता है। वक्त बेरहम है, छोड़ता किसी को भी नहीं।
पन्न बेली पतिव्रता रति सम सुनो सुजान हिम रहीम बेली दही सत जो जन दही आन। रहीम कहते हैं कि पान की बेल और खूबसूरत पतिव्रता स्त्री दोनों के स्वभाव एक समान होते हैं, दोनों ही नाजुक और अति संवेदनशील होती हैं। हिम तुषार पान की बेल को जला देती है और वह सूख कर खत्म हो जाती है। पतिव्रता स्त्री तो 100 योजन दूर ही वियोगाग्नि की आंच से ही झुलस जाती है। कहने का भाव है, स्त्री स्वभाव से बहुत ही कोमल और संवेदनशील होती है, बिल्कुल पान की बेल की तरह। और यदि वो पति प्रिया है, पतिव्रता है, तब तो उसे पति का साथ हमेशा मिलना चाहिए, वरना उसे मुरझाने में देर नहीं लगती।